वेज रोहित? वो अपने डैड के किसी काम से सीए से मिलने गया है। ओके। मैं घर पे अकेली थी तो सोचा तुम्हें बुला लूं। You'd like to have some wine? Actually, रोहित के डैड ने मेरे लिए स्पेशली ऑर्डर किया था, बट मुझे अकेले पीने का मन नहीं किया। एंड नाउ दैट यू देयर, शुड वी ट्राई इट? कम। तुम कुछ सोच रहे हो क्या? नथिंग। एक्चुअली आई वॉज थिंकिंग कि अगर आपने मेरी हेल्प नहीं करी होती तो शायद मैं तो शायद क्या? तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आई एम विथ यू, यू नो दैट राइट? थैंक यू सो मच। चीयर्स। मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछे ना। मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? अच्छे लगते हैं। वो रोहित बता रहा था कि वो नेक्स्ट मंथ अब्रॉड जाने वाला है। हाँ, कल ही उसके डैड ने डिसाइड किया। He is so lucky. तुम भी तो लकी हो। मैं जो तुम्हारे साथ हूं। आंटी, मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। क्यों, क्या हो गया? तुम्हें मेरी कंपनी पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? I really like you. लेकिन वो मैंने तुम्हारा साथ दिया तो तुम मेरा साथ नहीं दोगे?
अंकल आ रहे हो? हाँ। अरे वरुण भाई तू यहाँ पर है? और मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। जब तू मुझे कहीं नहीं मिला मैं समझ गया था तू मेरे घर पर होगा। मॉम के साथ गॉसिप कर रहा था ना, है ना? और अब वैसे भी इसने हमारे घर को अपने दूसरा घर मान लिया है। अब ऐसे क्या देख रहे हैं? तेरे लिए कुछ स्पेशल लाया हूँ मैं। मेरे लिए? स्पेशल? स्पेशल फॉर यू। देख 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 अंदर देख। भाई भाई ये तो मेरी फेवरेट वॉच है। आई नो, जब मैं मार्केट गया आज तो मैंने इसको देखा और मुझे तेरी याद आई तो मैंने तेरे लिए ले ली इसको। तो तूने पूरे पैसे वॉच में खर्च कर दिए? अरे तो भाई तुझसे बढ़कर थोड़ी है पैसे। मॉम मैंने ठीक किया ना? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही किया। चल अब मुंह मत देख, मम्मी पकड़ी, मैं तुझे पहनाता हूँ तेरी फेवरेट वॉच। हाथ ला। अब दोस्त को थैंक्स नहीं बोलेगा? थैंक यू सो मच यार। वेलकम। चल कल मिलते हैं। हाँ भाई। और अच्छी लग रही है? बाय बाय। हे वरुण, क्या हुआ? तुमने आज मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इज एवरीथिंग ओके? वो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए। ये सब कुछ? आई मीन व्हाट डू यू मीन? मतलब ये हमारा गलत रिलेशनशिप। देखिए मैं मेरे दोस्त को और ज्यादा धोखा नहीं देना चाहता। मैंने जो कुछ भी आपके साथ किया इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ योर फेवर। लेकिन बट अब आगे मैं इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहता। और देखिए आप मेरी बात माने तो आप भी प्लीज रोहित और उसके फादर को ऐसे धोखे में मत रखिए। वरुण बेवकूफों जैसी बातें मत करो। कल रोहित ने तुम्हें एक घड़ी क्या दे दी, तुम इमोशनल हो गए। और मैंने जो इतना तुम्हारे लिए किया उसका क्या? देखिए मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, बस अब मैं चलता हूँ, बाय। वरुण, यू आर बीइंग एन इमोशनल फूल।